आज हम बात करने वाले हैं दो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और ये दो क्रिप्टो करेंसीज आपको मार्च मंथ के एंड तक भी या फिर अप्रैल मंथ में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, रीजंस के ऊपर बात करेंगे, क्या करंट प्राइस है और क्या कॉइन्स के नेम है, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हमारी खुद की रिसर्च है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च भी जरूर करें, क्योंकि आपका डबल श्योर होना भी बहुत जरूरी है। तो बात कर लेते हैं इन दो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। दोनों के प्राइस इस टाइम पे नीचे के लेवल्स पे चल रहे हैं और काफी टाइम हो गया इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज में पंप नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में, एक क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत अच्छा पंप हुई थी। आई थिंक 2022 की बात है, जब मार्केट गिर रहा था तब इस क्रिप्टो का आगमन हुआ था मार्केट में और इस कॉइन ने बहुत ही जबरदस्त पंप करके दिखाए थे, है ना। तो पहला जो क्रिप्टो है वो है GMT कॉइन, ग्रीन मेटावर्स। स्टेपन भी आप बोल सकते हो, स्टेपन के दो कॉइन्स है, GST है, GMT है। तो हम GMT की बात कर रहे हैं। GMT का करंट लेवल अभी अगर हम देखें तो $0.36 के ऊपर चल रहा है। आज ये 11% पंप कर रहा है, 11% इसके प्राइस ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये 0.36 पे मिल रहा है, 0.35, 0.34, 0.32, है ना, इस रेंज में मिल रहा है तो आप ले सकते हो, अगर आप होल्ड कर सकते हो, है ना, क्योंकि होल्ड करना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि भैया वन वीक में पंप आ जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है चीजें डिले हो जाएं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कब कैसे समीकरण बन जाए, है ना, कब कैसे चेंजेस हो जाए। लेकिन देर सवेर पंप आ सकता है और इन दोनों की जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 300 से लेके 500% की। GMT $0.36 पे चल रहा है, यानी 34 रुपीस का ये कॉइन है, अभी बहुत ही अंडर वैल्यू, $1 भी नहीं है। लेकिन जल्दी हम इसको $1 से लेके $2 तक हम देखने वाले हैं, मतलब $2 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। इस मंथ के एंड हो सकता है एक अच्छा खासा पंप आ जाए या $1 के करीब पहुंच जाए, अगर नहीं आता तो अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर काफी अच्छा रह सकता है GMT के लिए। और GMT को लेके अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली दो फ्रेश वॉलेट्स ने भरमार 142-146 मिलियन GMT विड्रॉ किए हैं, है ना, बहुत बड़ा नंबर है। जब भी किसी कॉइन को लेके इतना ज्यादा मूवमेंट होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी खेप निकलती है, तो समझ जाओ, आपने देखा सोलाना की जब मूवमेंट हो रही थी, हमने पहले ही कहा था सोलाना का पंप आ सकता है, सोलाना ने कुछ ही दिनों में $200 तोड़ दिया, ठीक है। तो वेट जरूर करना पड़ सकता है, हो सकता है 2-4 दिन, ठीक है, लेकिन पंप आएगा तो जबरदस्त आएगा, और GMT पे नजर बना के रखिए। सेकंड है ICX। अभी आपने देखा रिसेंटली ZRX कॉइन बहुत अच्छा पंप हुआ था। अगर मैं थोड़ा पीछे चलूं 2023 में, 9-10 महीने पीछे चले, अगर एक दो महीने और बीत जाए तो एक साल हो जाएगा, जब दोनों ही कॉइन पंप कर रहे थे, ZRX भी पंप कर रहा था और ICX भी पंप कर रहा था। तो ZRX का पंप आ चुका है रिसेंटली, ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपके साथ कुछ शेयर ऐसा कर रहा हूं जो आप समझ पाओ। तो ICX कॉइन है नेक्स्ट, जिसके प्राइस है $0.34 के ऊपर और करंट लेवल है इंडियन रुपीज में 29 रुपीज। तो ICX भी बहुत ही नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और इसके भी हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं 300 से लेके 500% की रैली। वो 34 रुपीज का है $0.36 के साथ, ये 29 रुपीज का है, 30 रुपीज के करीब है, $0.34 के राउंड। तो दोनों के प्राइस सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों ही जब पंप करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पेशेंस अंदर, आपके अंदर पेशेंस है, आप होल्ड करना जानते हो, आपको स्पॉट ट्रेडिंग में मजा आता है, होल्ड कर लेते हो, तो ये कॉइन्स पे नजर बना के रखिएगा, ठीक है। लेने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।